सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप है, स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। कंबाइंड रूल कब अप्लाई होता है और कंबाइंड रूल कब अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए गाइस, ये सभी चीजों का मैं आंसर देता हूं। उसके पहले गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज जाके वहां सपोर्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए देखो, लैंग्वेजेस का एक ग्रुप होता है, देन साइंस और मैथ का एक ग्रुप होता है और SST वो सेपरेट होता है। तो आप सभी को पता है पास होने के लिए 100 में से 35 मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 35 मार्क्स। इनकेस मान लो लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको हिंदी के अंदर 27 मार्क्स मिल गया, तो 27 मार्क्स मिल गया तब तो देखा जाए तो आप फेल हो। नहीं, आप फेल नहीं रहोगे। अगर लैंग्वेजेस में, बाकी लैंग्वेजेस में आपको कंबाइन करके 105 हो जा रहा है, जो भी अगर मान लो हिंदी में आपको 25 मार्क्स है, मराठी एंड इंग्लिश मिला के 105 हो जा रहा है, तो आप पास हो। बट गाइस, कंबाइंड रूल तभी अप्लाई किया जाएगा जब एटलीस्ट आपका 25 मार्क्स होगा आपके लैंग्वेजेस के पेपर में। जो भी लैंग्वेजेस के पेपर में 35 मार्क्स के नीचे है, बट एटलीस्ट उसमें 25 मार्क्स होना चाहिए। 25 मार्क्स होगा तो ही वो कंबाइंड रूल में आएगा, नहीं तो कंबाइंड रूल में बिल्कुल नहीं आएगा। और SST में तो ऑलरेडी आपको पता, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, तीन होता ही है, तो इसीलिए उसको टोटल मिला के हमें 100 में से 35 मार्क्स निकालना रहता है। अब बात करता हूँ मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का, तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके प्रैक्टिकल में अगर इनकेस आपको 30 मार्क्स मिल गया तो रिटर्न में ओनली 5 मार्क्स निकालना है। अगर 25 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल गया तो आपको, क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है, 25 मार्क्स मिल गया तो आपको बस रिटर्न के लिए ओनली कितना निकालना है, 10 मार्क्स निकालना है। तो गाइस, आप सभी को पता चल गया कंबाइंड रूल के लिए तो सबसे जरूरी 10th स्टैंडर्ड का वो जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें एटलीस्ट कंबाइंड रूल अप्लाई करवाने के लिए एटलीस्ट 25 मार्क्स चाहिए। 25 मार्क्स रहेगा तो ही वो ग्रुप कंबाइन होके कंबाइंड रूल अप्लाई होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। सो गाइस, ये रहा पूरा का पूरा जो भी मुझे कंबाइंड रूल के बारे में बताने था। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। जय हिंद।